स्क्रिप्ट एक बोलते हैं अगर कोई आता है आपके पास तो क्या कुछ देखते हैं मैं तो कैरेक्टर अपना देखता हूँ मैं बहुत सेल्फ्रिश हूँ उस मामले में वो बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन होनी चाहिए वो में उस तरह के कॉर्किनेस होना चाहिए कश्मकश होनी चाहिए इन कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए उसकी कुछ एक इंसान होना चाहिए ये नहीं कि उसमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो कैरेक्टर जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है होनी चाहिए कि इंसान की तरह होनी चाहिए कुछ ख़राबियाँ भी हैं उसमें कुछ अच्छायाँ भी हैं वो मुझे उस तरह के कैरेक्टर बहुत भाते हैं और इस वजह से आप कैरेक्टर्स देखो सिद्दीकी के मैं कुछ गिना देता हूं जो उनकी बात को पूरी तरह सच साबित करेगा मंटो अगेन अ वेरी फ्लॉड आइकॉनिक कैरेक्टर माझी दशरथ माझी का कैरेक्टर गहलोत से कमाल की कहानी थी मैं खुद गहलोत गया था आपका इंटरव्यू करने मुझे याद है बिहार में गया के बाहर एक जगह है रमन राघव ठाकरे और आइकॉनिक कैरेक्टर्स पर कहीं ना कहीं नाता बायोपिक से क्यों लग जाता है आई थिंक मैंने जितनी बताए उतनी की है बायोपिक बायो हाँ उसके अलावा भी की हैं फिल्में एक ये, ये भी काफ़ी है, है, तो हैं तो यू इन्जॉय सर मैंने कुछ बायोपिक तो बहुत इन्जॉय की जैसे इवन ठाकरे भी मैंने बहुत क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था क्योंकि उस तरह की पर्सनैलिटी का जो रोल करते हैं वो ऐसा ना हो कि मिमिक्री हो जाए उसकी तो बहुत ही एच पे चलना पड़ता है जी कि मैं मैं नवाज़ भी दिखना चाहिए और ठाकरे भी दिखना चाहिए ये नहीं कि मैं अगर बिल्कुल ही ठाकरे बन जाऊंगा तो इसका मतलब मैं मिमिक्री कर रहा हूँ उनकी तो कहना कि मैं भी रहना चाहिए उसमें वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत कितना रेश रहना चाहिए वो भी बहुत ही हमने बहुत मैंने बहुत ही साइंटिफिकली उसको तैयार किया तो उस कैरेक्टर को क्योंकि वो पतले दुबले से थे तो उनकी वॉक किस तरीके से होगी कहाँ पर वो वेट शिफ्ट करेंगे उनका जो आवाज़ जहाँ से उनका सुर निकल रहा है जहाँ से बोलते हैं उसका हारमोनियम प्रैक्टिस की तो काफ़ी तैयारी की थी एक्चुअली मैंने मंटो के लिए मैंने इतनी तैयारी नहीं थी क्योंकि क्योंकि मंटो का फ़ोटो है उनको वीडियो नहीं है उनका कोई भी तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सहूलियत मिल गई लेकिन जिन लोगों को आप देखते हैं जिनके वीडियोस हैं या वो अभी भी जिंदा हैं उनको उनको पोर्ट्रेट करना उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लोग कंपेयर भी करते हैं कि यार ये या तो बहुत ही अलग है या तो बिल्कुल ये तो कॉपी कर रहा है उनकी तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा ऐज ही होता है वो बिल्कुल नहीं आपने एक, अगेन, बहुत ही अलग रोल है। उसके बारे में जरा बताया वो आपकी वर्सिलिटी तो जरूर दिखाता है मगर बिल्कुल ही अलग लुक है नवाजुद्दीन जी हाँ क्योंकि मैंने आई थिंक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ लेकिन मैंने कभी भी ये दिमाग में नहीं रखा कि मैं ट्रांसजेंडर को को प्ले कर रहा हूँ मैंने हमेशा सोचा कि मैं फीमेल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्योंकि हर ट्रांसजेंडर की ख्वाहिश होती है वो कंप्लीट फीमेल होना चाहती है क्योंकि जब मेरी बातें होती थी क्योंकि आ, फिल्म शुरू होने से पहले मैं काफ़ी उन लोगों की कम्यूनिटी के साथ रहा तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है एक विश होती है कि हम औरत बन जाएँ हम एक विश होती है उनकी एक ख्वाहिश होती है उनकी चाह होती है उनकी वो तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा वो था सबक था कि मैं ये प्ले ना करके एक फीमेल प्ले करूंगा mm. तो उसी तरीके से उसी नज़रिए से दुनिया को देखना की किया मैंने फीमेल नज़रिए से तो जितना हो सकता था बिना किसी बनावट के जितना रियल हो सकता है ओढ़ी भी नहीं लगनी चाहिए इम्पोज नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ की आ, तो उसी तरह से तैयारी की थी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट क्योंकि आई थिंक ढाई तीन घंटा मेरा मेकअप होता था वो पार्ट करना पड़ता और उसी दिन फिर दूसरा कैरेक्टर होता था, था फिर वो उतार के फिर दूसरा फिर अगेन फिर वो तो इस तरीके की इस तरीके से आई थिंक नौ नौ घंटे तो नाइन नाइन आवर्स तो मेरे सिर्फ मेकअप में उतारने में और चढ़ाने में निकल जाते थे तो ये था कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि एक कैरेक्टर से निकलना सेट से जब आप लौटते हैं घर या होटल तो उससे बाहर आना या फिर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ आसानी से नहीं मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं जब तक कैरेक्टर होता है मैं उसमें रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे हिस्से में ये काम है मैं दुनिया में यही काम शायद करने के लिए आया था और मुझे खुशी होती है मैं बाकी चीज़ों की के केयर नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस वक्त पे जब आप कोई किरदार करते हैं वो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ मैं उसमें रहना मुझे पसंद है मैं ये नहीं कि मैंने स्विच ऑफ़ करके फिर भी दुनियादारी में आ गया मैं नहीं चाहता हूँ मैं ही चाहता हूँ दुनियादारी में आऊँ मुझे अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है मुझे उस दौरान जब मैं कैरेक्टर में होता हूँ उन दो महीने में या तीन महीने में मतलब मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ उस कैरेक्टर में रहना चाहता हूँ जी और इस वजह से आ, आप उन एक्टर्स में से नहीं हो जो आ, हर हफ्ते किसी पार्टी में नजर आते हैं हर किसी फंक्शन में नज़र आते हैं यू नेवर